किंग्सवे अस्पताल हमेशा ही गुणवत्तापूर्व सेवाएं प्रदान करने में आगे रहा है। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को सस्ती कीमतों पर सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए सतर्क रहा है। उसी दिशा में एक कदम किंग्सवे अस्पताल की एनटी विभाग द्वारा डॉक्टर श्वेता लोहिया के नेतृत्व में उठाते हुए कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी ओपीडी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कीर्तने, जिला परिषद के सीईओ योगेश कुंभेजकर ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। किंग्सवे हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर आशीष चंद्र ने बताया कि इस सर्जिकल प्रक्रिया को शुरू से ही कर रहे हैं और इसे सुचारू रूप से सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित ओपीडी का उद्घाटन किया गया। प्रमुख रूप से यह नागपुर में एकमात्र सेटअप में से एक है जिसमें ऑडियोलॉजिकल है। एक ही छत के नीचे सही उम्मीदवारों की पहचान के लिए आवश्यक रेडियोलॉजिकल और बाल चिकित्सा सेवाएं, ताकि इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए रोगी को विभिन्न स्थानों की यात्रा न करनी पड़े। साथ ही ऑडियोलॉजी सेवाओं का नेतृत्व एक प्रसिद्ध ऑडियोलॉजिस्ट और SLP इशिता मंडाविया द्वारा किया जाएगा, जो किंग्सवे हॉस्पिटल्स नागपुर में कॉकलियर इम्प्लांट टीम का हिस्सा है और बाल चिकित्सा ऑडियोलॉजी में माहिर है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्यारोपण योग्य समाधान गंभीर श्रवण हानि के साथ पैदा हुए बच्चों के लिए जीवन बदलने वाले हो सकते हैं, यदि जीवन में शुरुआती पहचान की जाती है तो। आपल्या बरोबरच डॉक्टर कांचन पटेल तुझं कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन आतापर्यंत 73 ऑपरेशन केलेले आहेत गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये। आणि मला आपल्या सीईओ साहेबांनी सांगितलं की त्यांनी ऑलरेडी हातात प्रोजेक्ट घेतलेला आहे व्हॉट इज कॉल्ड युनिव्हर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। युनिव्हर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग म्हणजे जन्माला आलेलं प्रत्येक मूल हॉस्पिटलमधनं बाहेर जायच्या आधी ऐकायची, चाचणी करूनच जाणार। कारण आम्ही असं पाहिलं आमच्याकडे पेशंट जे येतात की आई वडील सुशिक्षित जरी असले तरी मूल 3 आणि 4 वर्षाचं होईपर्यंत त्यांना लक्षात देखील येत नाही की मुलाला ऐकू नये। जर आपल्याला पहिल्या काही महिन्यात कळलं की मुलाला ऐकू येत नाही, जर आपण ट्रीटमेंट सुरू केली, ऑपरेशनचं म्हणत नाही, साधं श्रवण यंत्र लावून ट्रेनिंग जर दिलं, तर मुलाची वाढ फार चांगली होते। हे जर आपण हातात ती वेळ गेली एकदाने करून मग आपण काही करू शकत नाही। तर त्याच्याकरता जगाकडे सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये और देशांमध्ये कंपल्सरी आहे की मूल जन्माला आलं की त्याची लर्निंग टेस्ट झालीच पाहिजे। आणि मला कोमेजकर साहेबांनी सांगितलं की त्यांनी हे आता त्यांच्या हातात घेतलं की तुम्हाला ह्या रिझर्वमध्ये पण ते लागू पडणार आहे, त्याच्यामुळे हा प्रोग्राम बराच चांगला चालेल। अस्पताल ने RBS के योजना द्वारा निम्न आय वर्ग के लिए सर्जरी आगमन की घोषणा की और प्रत्येक बुधवार दोपहर 2 से 4 बजे के बीच उन बच्चों के लिए मुफ्त परामर्श की घोषणा भी की जिन्हें सुनने में कठिनाइयां होती है। यदि बच्चे भाषण और भाषा कौशल विकसित करने में असमर्थ है या बढ़ती उम्र से बात करने में असमर्थ है। इसके साथ ही किंग्सवे अस्पताल में RBS के योजना के तहत 2 बच्चों ने सर्जरी का लाभ ले चुके हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से गेस्ट ऑफ ऑनर पद्मश्री डॉक्टर मिलिंद कीर्तने उपस्थित थे, जिन्होंने अब तक 4,000 से अधिक बच्चों और वयस्कों में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की है। इसके साथ जिला परिषद के सीईओ योगेश कुंभेजकर भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।